हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है ब्लॉक और आ चुका हूँ मैं ब्लॉक न्यूज़ के साथ। मैं ब्लॉक न्यूज़ की मदद से आपको फॉरलैंड्स की सारी खबरें देता रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली खबर जो अभी भी आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ नंबर 1। गाइस, जैसा आप देख सकते हैं अभी ज़ॉम्बीज का जो कब्जा है हमारे स्कूल के ऊपर चला हुआ है। अभी तक इसके ऊपर फॉलोदाम ने कोई एक्शन नहीं लिया। गाइस, ये थी हमारी पहली न्यूज़। अब अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं हम जल्दी से। ये हमारी सेकेंड न्यूज़। भारी बारिश के कारण फॉरलैंड्स में हुई फसल की भरी बर्बादी, इसके कारण अब सबको वेज छोड़ के नॉन वेज पे आना पड़ेगा। जैसे कि आपने अभी देखा कि फॉरलैंड्स में तो फसलों की बड़ी बर्बादी हो गई है, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो बढ़ते हैं अब अपनी तीसरी खबर की ओर। बोट में रखा हुआ था कीमती सामान जल के राख हो गया बिजली के कारण। फॉलोदाम ने की थी कोशिश पर नाकाम हुई। जैसे कि आप देख सकते हैं बड़े नुकसानों की खबरें आ रही हैं हमारे पास। तो बढ़ते हैं अब अपनी अगली खबर की ओर जो है खबर नंबर 4। फॉलोलैंड्स के विलेजरों ने की गद्दारी, ट्रेड महंगी करके फॉलोगाम को ये चीज़ पड़ गई भारी। कई चीज़ें खराब हुई, कई चीज़ें महंगी हुई, कई चीज़ें जल गई। पता नहीं फॉलोलैंड्स में क्या हो रहा है, पर हम इस सबसे करेंगे। चलते हैं अपनी न्यूज़ नंबर 5। ये वही जगह है जहाँ पे गोना भाई गिरे थे। अब यहाँ पे पता नहीं कुछ बैरियर टाइप सा लग गया है जिसके कारण अब फॉलोगाम गोना भाई को पता नहीं बचा पाएंगे या नहीं। फॉलोलैंड्स की तरक्की की बात करते हैं, चलो आ जाइए न्यूज़ नंबर 6 पे। नए शिव टेंपल बनने की आ रही है तैयारी, शिवरात्रि तक हो जाएगा टेंपल तैयार। जैसे कि आपने देखा शिवरात्रि आई तो टेंपल भी बनने वाला है हमारा शिव टेंपल। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ, न्यूज़ नंबर 7 की तरफ। फॉलोगाम ने नया होटल बनाने की ठानी, अभी तक आधा बना है होटल। हाँ, तो जाहिर सी बात है फॉलोलैंड्स में कुछ तरक्कियाँ भी हो रही हैं, मुझे लगा कुछ नहीं हो रहा होगा। चलो बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ नंबर की तरफ। फॉलोलैंड्स की बकरियाँ हैं मुसीबत में, कई बकरियाँ मारी जा चुकी हैं कुत्तों के कारण, कुत्तों के ऊपर अब ले जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय।